काजल जी बताइए कि आज हम कौन सी काजल से बात करें एंड काजल बाय काजल के बारे में बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर बीइंग हियर। ये इवेंट मेरे लिए बहुत ही खास है, बहुत स्पेशल है। ये एक प्रोडक्ट है जिसे मैंने को क्रिएट किया है परम और श्रीदा के साथ, और बहुत स्पेशल प्रोडक्ट है। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम लगता है, 180 डेज लगता है हर एक पेंसिल बनाने में। और इसमें आयुर्वेदा की बहुत ही ज़्यादा खास प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक आमंड ऑयल, मोरिंगा एंड थिंग्स विच आर जेन्युइनली वेरी गुड फॉर यू, विच आर नर्चरिंग, healing for your eyes and all these amazing properties that I truly believe in personally. So thanks for being here to support my wonderful venture and my launch. And आप obviously काजल से बात कर रहे हैं जिसने काजल पहना है, जिसने काजल बाय काजल पहना है। साथी काजल कितना important होता है काजल के लिए? बहुत ही ज़्यादा। It's the one product that I absolutely rely on. लोग कहते हैं कि मेरी आँखें बहुत expressive हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आंखें फिर बात करें, मैं चुप हो जाऊँ। सो ये वो रीजन है काजल जी कि 180, आपने बताया कि 185 डेज एक काजल की पेंसिल बनाने में लगता था, इसलिए इतना लंबा टाइम लगा। हम ऐसे चाहते थे कि और पहले आ जाना चाहिए था, ये आपका एसोसिएशन। मैं इनसे मिली नहीं थी ना पहले, तो अब जो मिल गई हूँ तो ऑब्वियसली हमने इमीडिएटली कर दिया ऐसा, और ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स ढूंढना जरूरी होता है। So I'm very happy that I finally met Shrida and Param and we've done this and we are very very excited and we've become great friends. यार जर्नी काजल के संग हमारी शुरू हुई थी जब इन्होंने हमारी बेबी केयर रेंज को एंडोर्स किया था। वहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से एक ये सपना था जब वो शूट चल रही थी कि एक प्रोडक्ट साथ में बनाते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनकी आँखों के लिए वो काजल ही था, राइट? अब जैसे आपने बोला कि यार इतने दिनों से, इतने समय से काजल इंडस्ट्री में, किन्होंने कभी एक भी नहीं सोचा कि इन्हीं के संग इन्हीं के नाम का प्रोडक्ट बना जाए जो लेगेसी बन जाए, राइट? सो जो 180 दिन की जर्नी थी वो ये थी कि वो ऐसा प्रोडक्ट कैसे लेके आए कि कोई भी जनरेशन उस प्रोडक्ट को लगाए और वो प्रोडक्ट बिल्कुल केमिकल फ्री हो, स्मज प्रूफ हो, एग्जैक्टली, और लॉन्ग लास्टिंग हो, राइट, और अफोर्डेबल भी हो, आयुर्वेदा की सारी प्रॉपर्टीज हो, बट ऐसे प्राइस पॉइंट पे हो कि वो हिंदुस्तान का हर नागरिक खरीद सके। ताकि जैसे काजल है ना, इतने सालों से मेहनत करके अपना नाम बनाया और इनसे सारी जनता रिलेट करती है, पूरा हिंदुस्तान रिलेट करता है, तो वो हिंदुस्तान काजल से उनके प्रोडक्ट के थ्रू कैसे कनेक्ट करेगा? और हर इंसान, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जनता जो सिर्फ महंगा प्रोडक्ट खरीद सकती हो, बट वैसा ना हर इंसान खरीद सके, उतना गर्ल, हर मामा, हर सब लोग, वर्किंग लेडी, एवरीवन। सो इसलिए बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट 180 दिन की मेहनत के बाद ये बना, और अब हमें पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान के 5 करोड़ हाउसहोल्ड्स के अंदर हर फीमेल, कॉलेज गोइंग हो, वर्किंग हो, एंटरप्रेन्योर हो, एक्ट्रेस हो, हमारी इन्वेस्टर हो, हमारे साथ खड़ी है, हर कोई हो, वो इस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, अपनाएगा, और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा काजल का प्रोडक्ट बन जाएगा। नहीं नहीं, मैं बनाती नहीं हूँ, मैं घर पे बनाती नहीं हूँ। नहीं, उन्होंने मुझे पूछा था कि आपने कभी बनाया है क्या, तो मैंने अपनी मम्मा और दादी माँ और नानी माँ को देखा है बनाते हुए, तो ऑफकोर्स ये ट्रेडिशनली चला आ रहा है ऐसा रिवाज। मैं खुद आई विश बना सकती, लेकिन अब मेरे पास काजल बाय काजल है तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना मैं आपको एक पर्सनल चीज़ बताना चाहूँगी। एवर सिंस आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री, मुझे आई हैव अ नंबर, आई हैव साइट, सो आई वेयर लेंसेज वाइल शूटिंग, और व्हेन यू वेयर लेंसेज फॉर अ लॉन्ग एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यू ऑटोमेटिकली डिवेलप दिस थिंग कॉल्ड ड्राई आईज। नाउ एनी मेकअप इज वेरी सेंसिटिव टू पीपल विद ड्राई आईज, एंड आई हैव वेरी सेंसिटिव आईज, so I when I do wear eye makeup, my eyes get irritable, they get I feel like itching, and my eye makeup spreads. This is the one pencil that has truly helped me, because it does not give me any sort of irritation or allergies or any sort of annoyance in my eye. Secondly, it comes off easily, it's utilitarian, it's functional, and it does not smudge, so it's an actor's dream come true. Thanks guys. हमारी अंदर मेकअप जोन भी है, अगर आप मेकओवर चाहें तो जरूर। काजल एक यूनिसेक्सुअल प्रोडक्ट है, ये जेंडर न्यूट्रल होता है, यही प्रोडक्ट दोनों जेंडर्स के लिए है,
आज ऐसी नहीं है कि मेन नहीं लगा रहे हैं, काफी मेन मेकअप कर रहे हैं क्योंकि आई सबकी एक्सप्रेसिव है और सबको अच्छा दिख रहा है। तो काजल एक ऐसा प्रोडक्ट है यूनिसेक्स है एंड आई डोंट थिंक जेंडर हैज एनीथिंग टू डू विद इट। या काजल, लास्टली आपने तमिल, तेलुगु और हिंदी इंडस्ट्री सब में काम किया है और जल्दी इंडियन 2 में आप नजर आने वाले कमल सर के साथ, जी कुछ बताना चाहेंगे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कमल सर और शंकर सर के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। काफ़ी मेहनती फिल्म थी, मुझे काफ़ी चीज़ें करनी पड़ी, बहुत कुछ सीखना पड़ा जिसके लिए मुझे 4 साल लगे कोविड के दौरान। ऑब्वियसली फिल्म वॉज ऑन अ होल्ड, बट आई एम ग्लैड दैट वी कुड रिवाइव द फिल्म एंड वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर इट अगेन और जल्द ही रिलीज होने वाली है एंड आई एम एक्साइटेड दैट ऑल ऑफ यू विल विटनेस इट। बहुत जल्दी नहीं, अभी नहीं अभी सिर्फ काजल भाई काजल के बारे में बात करते हैं। लास्ट एक काजल जी, अकॉर्डिंग टू यू आपको छोड़कर वो ऐसी कौन सी एक्टर है जो आपको काजल में बहुत ही अच्छी लगती है, खूबसूरत दिखती है आपको? सब बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है काजल। I think every actress, every woman, not even an actress, looks amazing in Kajal. And it's such a go-to product. और ऐसे मैं किसी का एक बंदे का नाम कैसे लूँ? I mean, all of them are such gorgeous women. And they look phenomenal with Kajal especially. So सबसे अच्छी आगे किसकी लगती है? आप बताइए ये। मुझे वो ही सुनना था इसलिए मैंने आपसे पूछा। थैंक यू सो